ठेले में जूस बेचने वाला बन गया 20,000 करोड़ का मालिक, कर दिया ऐसा कांड। भारत से दुबई श्रीलंका तक मच गया बवाल। चांदी के चम्मच और प्लेट में मेहमानों को खिलाता है, सनी लियोनी रणवीर कपूर से लेकर टाइगर श्रॉफ तक को शादी में नचाता है। स्पेशल जेट से मेहमानों को बुलाता है, 200 करोड़ से ज्यादा शादी में उड़ाता है। कौन है जूस बेचने वाला महाठग सौरभ चंद्रकार? 20 रुपए का जूस बेचने वाला लड़का अचानक से 20,000 करोड़ का मालिक बन जाता है। उसके सामने सनी लियोनी नाच नाच कर स्टेज तोड़ देती है। नेहा कक्कड़ से लेकर आतिफ असलम गाना गाते हैं। भारती सिंह और कपिल शर्मा भी उसके लिए कॉमेडी करते हैं। कृति खरबंदा ठुमके लगा रही थी और नुसरत भरूचा अपनी अदाओं से बिजली गिरा रही थी। जूस बेचने वाले के लिए टाइगर श्रॉफ ने भी जमकर स्टेज तोड़ डांस किया। मुंबई से एक स्पेशल फ्लाइट यूएई जाती है और वहां मेहमानों को चांदी की प्लेट और चम्मच पर खाना परोसा जाता है। खबर इंडिया में खुफिया विभाग को पता चलती है। ईडी जांच करती है तो जूस वाले लड़के के घर से इतना पैसा मिलता है कि मशीनें पैसे गिन गिन कर गर्म हो जाती हैं। कभी छत्तीसगढ़ में जूस बेचने वाला ये लड़का महाठग चंद्रकार है। महाठग सौरभ चंद्रकार की वजह से बॉलीवुड के 15 से ज्यादा बड़े स्टार फंस गए हैं। रणवीर कपूर से लेकर सनी लियोनी को भी ईडी ने अपने दफ्तर पर बुलाया है। लेकिन 20 रुपए का जूस बेचने वाला लड़का कैसे 20,000 करोड़ का मालिक बन गया, सबसे पहले इसकी कहानी आपको बताते हैं। कुछ साल पहले तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सौरभ चंद्रकार जूस फैक्ट्री के नाम से जूस की दुकान चलाता था। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर 20 से 50 रुपए ग्लास जूस बेचने वाला सौरभ चंद्रकार कुछ बड़ा करना चाहता था। अपनी जूस की दुकान को ही सौरभ ने अपना हथियार बनाया। सौरभ ने छत्तीसगढ़ के कई शहरों में जूस फैक्ट्री के नाम से दुकानें खोली और इन्हीं दुकानों को अपने नेटवर्क अड्डा बनाया। सौरभ चंद्रकार को जूस बेचने के साथ साथ सट्टा खेलने का शौक था। अपने दोस्त के साथ मिलकर उसने सट्टेबाजी ऐप बनाने का फैसला किया। इस ऐप का नाम था महादेव ऐप। भगवान शिव के नाम पर बने इस ऐप का इस्तेमाल लोगों को कंगाल करने के लिए किया जाता था। इस ऐप से ऑनलाइन 50,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे। इस ऐप के जरिए 20,000 करोड़ की ठगी सौरभ और उनकी टीम कर चुकी थी। लेकिन सौरभ कैसे पकड़ा गया, इसकी कहानी भी जान लीजिए। फरवरी 2023 में सौरभ चंद्रकार की यूएई में रास अल खैमा नाम की लड़की से शादी होती है। इस शादी में 200 करोड़ रुपए नकद खर्च किया जाता है। परिवार के सदस्यों को मुंबई से यूएई ले जाने के लिए प्राइवेट जेट किराए पर लिया जाता है। अपनी शादी में करोड़ रुपए खर्च करके सौरभ ने मुंबई से बॉलीवुड के करीब 15 बड़े स्टारों को अपनी शादी में नाचने के लिए बुलाया। इसमें सनी लियोनी से लेकर रणवीर कपूर, टाइगर श्रॉफ जैसे लोग शामिल हैं। ईडी के मुताबिक इस शादी के लिए वेडिंग प्लानर्स, डांसर्स और डेकोरेटर्स वगैरह को मुंबई से बुलाया गया था और इन सबको कैश पेमेंट के लिए हवाला का इस्तेमाल किया गया। इस शादी के बाद ही जूस बेचने वाला सौरभ हर किसी की नजर में आ गया। ईडी का कहना है कि रणबीर कपूर महादेव ऐप को ऑनलाइन प्रमोट भी करते थे और इसके लिए उन्होंने नगद पैसे लिए थे। इसलिए रणबीर कपूर को ईडी ने समन जारी कर दिया है और स्पेशल जेट से यूएई में नाचने वाले बॉलीवुड के सभी 15 स्टार अब ईडी के जाल में फंस गए। इनकी जाँच हो रही है। महादेव ऐप से ठगी करने वाला 28 साल का सौरभ चंद्रकार छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और उसने सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों को ही अपना शिकार बनाया। ईडी ने जांच करनी शुरू की तो जूस वाले लड़के का कारनामा देखकर होश उड़ गए। मुंबई से छत्तीसगढ़ तक ठिकानों पर रेड पड़ी तो करोड़ों का कैश बरामद हुआ। पैसा गिनते गिनते मशीनें भी गर्म हो गई। ईडी के मुताबिक सिर्फ एक साल के अंदर 5,000 करोड़ का लेन देन किया गया। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप पिछले 4 साल से चल रहा था। इसका हेडक्वार्टर यूएई में है। इस एप्लीकेशन के कॉल सेंटर श्रीलंका और नेपाल में। माना जा रहा है कि इसका नेटवर्क भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश समेत अन्य कई देशों में फैला हुआ है। सौरभ चंद्रकार की 417 करोड़ की अवैध संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय अब सौरभ चंद्रकार के खिलाफ जांच कर रहा है। शक है कि सौरभ चंद्रकार के तार कई हाई प्रोफाइल लोगों से भी जुड़े हो सकते हैं क्योंकि उनकी शादी में जमकर पैसे बरसाए गए। छत्तीसगढ़ के जूस बेचने वाले इस लड़के ने 20,000 करोड़ की ठगी करके पूरे देश को हिला दिया है। इस महाठग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।